नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HPSC जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला, इनके द्वारा हाल ही में एक भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट और एक नई भर्ती के लिए नोटिस जारी हुआ है। और अगर आप इन दोनों के दोनों नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पंचकूला, इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाए इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब इनकी वेबसाइट पर आओगे तो अनाउंसमेंट में आपको ये जो आपकी नई वैकेंसी के लिए नोटिस जो जारी हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है 29/2022। और जैसे जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी, और ये आपकी वैकेंसी है, ये देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिश 12 तारीख है, ये आज वैसे जो यहाँ पर 11 तारीख है तो कल के डेट में ये दिखाए गए हैं 12/11/2022। कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर सिविल ग्रुप बी डेवलपमेंट एंड यह है पंचायत डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में। और टोटल पोस्ट वगैरह कितनी है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, तो ये जनरल और अनरिजर्व की है 29, और शेड्यूल कास्ट की है 10, बैकवर्ड वालों की है BCA में 5, B वालों की 3 और EWS वालों की 6, तो टोटल है यहाँ पर 53। ESM अनरिजर्व में 3, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनकी 1, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनकी 1, तो ये इस प्रकार से 53 यहाँ पर है। और ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख है, 6/12, और क्लोजिंग डेट ये भी 6 तारीख है। तो आप जो यहाँ पर इस वैकेंसी डिटेल को हम देख लेते हैं, ये वही है ओपनिंग क्लोजिंग डेट, और किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी आपकी वैसी ही पोस्ट दिखाई गई है, और ये क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, डिग्री और इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एयर यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो आ जाता है, तो ये पे स्केल है लेवल 9 में शेड्यूल 1, और उसके बाद आ जाती है एज यहाँ पर, तो कम से कम 21 और अधिक से अधिक है 42 वर्ष, 6/12/2022 के अनुसार। और ये रिलेक्शन है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की, वो देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, 5 साल लगभग सभी में दी गई है। यह यहाँ पर ESM वालों के लिए सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स बिलोंग टू EWS सेक्शन ऑफ हरियाणा। और ये जो अब BCA और EWS वाले जो हैं, इनसे जो करंट का जो ये सर्टिफिकेट जो है वही मांगा जा रहा है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसमें। और उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, तो मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी जिसमें आपका ये एक्स सर्विसमैन भी है, और मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल और आर रिजर्व कैटेगरी फॉर अदर स्टेट, इनके लिए 1000 रुपये है। फॉर ऑल अदर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूड फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM हरियाणा ओनली,
और फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट उनके लिए 250 रुपये, फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एस सी बी सी ए बी सी बी और ई डब्ल्यू एस वालों इनके 250 रुपये हैं। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी जो 40% वाले हैं इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। फीस आपने अगर एक बार भर दी तो रिफंड नहीं होगी, जब तक आपकी फीस जमा नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ये जानकारी थी आपकी जो नई वैकेंसी जो है उससे संबंधित। और अब जब हम आपका जो एक नया जो रिजल्ट भी जारी हुआ है उसको अब हम देख लेते हैं। और ये जो रिजल्ट जो आ चुका है ये देख सकते हैं रिजल्ट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ फाइनल रिजल्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ग्रुप बी इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ने। ये एडवर्टाइजमेंट थी, पब्लिश डेट थी ये वाली। तो इसमें देख सकते हैं कैटेगरी जनरल और रिजर्व के ये तीन कैंडिडेट हैं, रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद एससी का एक कैंडिडेट है। तो ये रिजल्ट है यहाँ पर और ये वैकेंसी डिटेल है। कैसे इसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए हम साइट पर वापस चलते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा जब ये 16 तारीख आएगी, क्योंकि अभी जब फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, जब फॉर्म भरने शुरू होंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यही दो महत्वपूर्ण अपडेट हाल ही में HFSC के द्वारा जारी की गई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।